रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस संबंध विशिष्ट और विशेष सामरिक भागीदारी पर आधारित हैं और रक्षा संबंध इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के उप प्रधानमंत्री के बीच बैठक में भारत रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और इसके विस्तार के तरीकों पर चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा की। मॉस्को की ये यात्रा कोविड-19 महामारी के बाद किसी भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल की पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महामारी की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे द्विपक्षीय संबंध विभिन्न स्तरों पर अच्छे बने हुए हैं। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वक्त भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ चर्चा बहुत सकारात्मक रही है। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे अनुबंधों को न सिर्फ बनाया रखा जाएगा बल्कि कई मामलों में कम समय में आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रस्तावों को रूसी पक्ष से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। मैं अपने डिस्कशन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। रक्षा मंत्री ने मॉस्को में भारतीय दूतावास का दौरा भी किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने मॉस्को में रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल एवी फेमिन के साथ बैठक की और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग से जुड़े संबंधों की समीक्षा की। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।